एंडी सोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शक ना भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। भाई आज तुमने एक कहावत तो सुनी होगी कि भाई परल्या आ गई, भाई दुखा का पहाड़ टूट गया। लेकिन वो दुखा का पहाड़ क्यों कर टूटा है, क्यों कर परल्या आ रहा है, वो आज हम तुम ना बताओगे। आज भाई जब हम तड़का सो गए उठे तो हमने एक बहुत ही बुरी खबर जो हवा सुनने को मिली भाई, उड़ीसा के बालासोर में, उड़ीसा के बालासोर में जो है आज तड़के बहुत दर्दनाक भीषण घटना घटगी। वहाँ पर है ना तीन ट्रेनें एक दूसरे से आपस में टकरा गई और जो है इंजन जो है वो बोगी पर चढ़ गया। और इस हादसे में 1000 व्यक्तियों से ज़्यादा घायल हो गए और 237 की फिलहाल जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, लाइव रिपोर्ट जो हमारे पास आई है वो है 237 बंदों की, 237 जो है वो मौत के घाट उतर गए हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है और 1000 लोग जो है वो घायल हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह हादसा हुआ क्यों, इसमें स्टेशन मास्टर की गलती है या ये किसी साजिश के तहत मतलब इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो इस बारे में अभी सरकार के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सरकार जो है वो इसका पूरी बारीकी से निरीक्षण कर रही है, इसकी जांच की जा रही है और जो बचाव कार्य जो वहाँ पे है वो अभी शुरू कर दिए गए हैं। बचाव कार्य जो वहाँ है, राहत के कार्य जो वहाँ हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। जो नज़दीकी आसपास के हॉस्पिटल थे उन्होंने वहाँ पर अपनी एम्बुलेंसें लगा दी हैं और जो घायल हैं उनको वहाँ हॉस्पिटलों में पहुँचाया जा रहा है। लेकिन और सरकार ने भी ये हादसा सुनते ही जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको 10-10 लाख रुपए और जिन जो घायल हैं उनको 2-2 लाख रुपए की राशि देने का वायदा कर दिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये हादसा आखिर हुआ कैसे, इसके पीछे क्या साजिश है, किसका हाथ है, यह हादसा क्यों हुआ। और यह साल का आपको हम बता दें, इस साल का सबसे बड़ा और भीषण हादसा जो है ये अभी आपके सामने हुआ है। आपको जो है इस साल की सबसे बड़ी घटना घटी है और जो इसमें अभी बताया जा रहा है, ताज़ा रिपोर्ट जो हमारे पास आ रही है आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, इसमें अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट आई है 237 लोगों के मरने की जो है वो अभी तक पुष्टि की जा चुकी है और 1000 लोगों से ज़्यादा जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं और घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटलों में जो है पहुंचाया जा रहा है। वहां पर आसपास के सभी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटलों की जो है एम्बुलेंस जो है अभी कार्य में लगी हुई है, बचाव राहत कार्यों में लगी हुई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये हादसा हुआ कैसे, आखिर क्यों, कौन है इस हादसे के पीछे, क्या साजिश है इस हादसे की, तो इसके बारे में आप बने रहिए एंडी छोरा गौतम के साथ और देखते रहिए एंडी छोरा गौतम न्यूज़। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जो भाई हमारी वीडियो को यूट्यूब पे देखना चाहते हैं वो बाला सुंदरी फिल्म को सब्सक्राइब करें और जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो एंडी छोरा गौतम को फॉलो करें और साथ में यूट्यूब पर देसी हरियाणा अनिल कुमार नाम से जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो चैनल भी अपना ही है, उसको भी सब्सक्राइब करें, उस पर भी वीडियो देखें। धन्यवाद।